everyone, how are you all? I hope you guys are doing absolutely fine and I'm so excited on today's video. So guys, मैंने बहुत time बाद ना ऐसे basic कपड़ों की shopping करी है जो मैं रोजमर्रा जिंदगी में पहन सकूँ या फिर कहीं पे भी जाना पड़े तो यू ना एकदम comfortable लगूँ, ज़्यादा revealing नहीं हो, summer appropriate हो. So जैसे कि आपने मेरे last vlog में देखा था that I shopped from Hill Road quite a few stuff, तभी मैंने आपको बहुत ही mini haul share किया था, but उसके बाद मैं फिर से market गई अपनी mom के साथ में and that time I didn't record the entire market, but मैं कुछ सामान अपने लिए खरीद के लाई हूँ और दो तीन बार मेरा ऐसा हो गया, मैं प्लान नहीं करी थी बट मैंने खरीद लिया बिकॉज आई सो मच नीडेड द प्रोडक्ट. ये वाले कपड़े बहुत ज्यादा समर अप्रोप्रिएट है एंड इट विल गोना कीप माई बॉडी कूल कूल. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ऑन टूडेज वीडियो की मैंने हिल रोड मार्केट से क्या क्या खरीदा है, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल्सो गाइज आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है ₹50 और मैक्सिमम जा रहा है 300, उसके ऊपर का मैंने कोई भी सामान नहीं खरीदा हुआ है. So, चलो गाइज बिना देर करें हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है यू जस्ट हैव टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि जब भी मैंने वीडियोस डालूं आप नोटिफाइड हो जाए. एंड अगर आप कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल रियल लाइफ अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो और मुझे पर्सनली भी पसंद कर रहे हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली अवेलेबल हूँ उधर. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे मैंने छोड़ दिया आपके लिए. तो चलो गाइस बिना देर करें हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द टॉप फर्स्ट. और मैंने ना जो भी शॉपिंग करी है वो ज़्यादातर एक ही शॉप से टॉप्स खरीदे हुए हैं, वो शॉप का नेम नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, यू कैन कॉल दैट पर्सन एंड आस्क फॉर द एड्रेस अगर आपको प्रॉपर लोकेशन चाहिए तो. तो द वेरी फर्स्ट स्टफ विच आई गॉट हियर इज दिस टी शर्ट. ओ माय गॉड गाइज दिस टी शर्ट इज़ ऑफ कॉटन और मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी. आई लव दी कलर बिकॉज न्यूड पिंकिश कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था. इसमें आपको बहुत ही प्यारा सा प्रिंट दे रखा है विच इज़ लाइक डायमंड, स्ट्रॉबेरीज, खाने पीने की चीज़ें, कैक्टस. तो इस तरीके के कपड़े अगर आप घर पर पहनते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यू नो चिल मोड में लाउंज वेयर टाइप लगते हैं. तो मुझे ये वाला बहुत प्यारा टी शर्ट लगा एंड ये साफ देख के पता चल रहा है दैट इट इज़ ब्रांडेड बिकॉज इसमें यहाँ पे यू नो हैंगर रिबन्स दे रखे हैं, ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे गाइज यहाँ पे ये रेनबो ब्रांड की तरफ से आता है एंड यहाँ पे आपको साइज गाइड मिल जाता है. तो इस तरीके के लोगोज देख के आपको ऑलरेडी पता चल जाता है दैट द प्रोडक्ट इज नॉट फेक. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइज जो मैं पहन के बैठी हूँ एंड ओ माई गॉड आई हैव शोन यू दिस प्रोडक्ट इन दैट मिनी हॉल ऑल्सो एंड आई एब्सोल्युटली फ्रिकिंगली लव इट बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम द ब्रांड गैस और यहाँ पे ना ऐसे जड़ रखा है, नगों को जड़ रखा है गैस में एंड ये पूरा प्रॉपर फिट, सब कुछ बहुत अच्छा है. गाइज इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है. सो आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस टॉप, द फिटिंग कंफर्टेबल, लाइक अगर आप झुकोगे तो भी आप कंफर्टेबल रहोगे. गाइज दिस टॉप इज अ मस्ट हैव इफ यू आर लुकिंग फॉर समर्स. इवन आप इस टॉप पे पार्टी भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, किसी भी तरीके से पहन सकते हो. यू कैन वेयर इट विथ योर पैंट, स्कर्ट, जीन्स, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है. ये वाला टॉप गाइज मैंने थेड़ी से उठाया था. आई डेंट मतलब आई डू नॉट हैव अ शॉप नेम फॉर दिस बट जैसे मैंने देखा ये गैस ब्रांड से मैंने तुरंत ₹200 पे करे और ले लिया. दिस इज ऑफ 200, जो पहले लिया था वो भी 200 का था. नेक्स्ट गाइज इस बार हिल रोड में मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी ज़्यादा डिज्नी के कपड़े मिल रहे थे, लाइक डिज्नी ब्रांड के, और आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डिज्नी, दिस इज इन द साइज 38 और ये बहुत ही ज़्यादा लूज टी शर्ट है. मुझे गर्मी में लूज कपड़े पहना बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ पे मेरा टमी एरिया नहीं दिख रहा हो एंड यू नो आई इन जनरल फील कंफर्टेबल लूज टी शर्ट में. मैं ज़्यादातर प्रतीक के भी टी शर्ट्स पहन के घूमती हूँ बिकॉज दे आर सुपर कंफर्टेबल. तो मैंने ये वाला लिया है, दिस से स्माइल टुडे एंड बहुत ही प्यारा से इसमें मिक्की बन रखा है. दिस इज़ ऑफ वाइट कलर, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वाइट. तो मुझे ऑफ वाइट कलर्स बहुत पसंद है, आइवरी कलर्स बहुत पसंद है बिकॉज आई फील इंडियन स्किन टोन्स में आइवरी कलर्स गोज बेस्ट. अगर आप किसी को भी प्रॉपर वाइट में देख लोगे और इंडियन स्किन टोन है उसका लाइक थोड़ा सा ब्राउनिश साइड है तो फिर वो और ज़्यादा कलर को दबा देता है एंड देन यू लुक रियली डार्क. तो इसलिए आई वुड लव टू गो फॉर ऑफ वाइट शेड्स बिकॉज ये आपकी स्किन को और ज़्यादा निखारता है, उभारता है बिकॉज इट हैज़ येलो टेंट इन टू इट. सो ये वाला टी शर्ट भी गाइस कॉटन है, सुपर कम्फर्टेबल, वेरी नाइस फिट, पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छा है. और ये वाला आई गॉट इट फ्रॉम दैट H&M वाला जो मैंने आपको शॉप दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में. अगर आपने नहीं देखा व्हाट यू आर वेटिंग फॉर गाइस, जाके देख लो, यू विल गेट एन आइडिया मैं क्या बात कर रही हूँ इस वीडियो में. तो फिर H&M के उस शॉप में थे, न्यू वेराइटी शॉप नेम था, हाँ वहाँ पे H&M के टॉप्स थे और वहाँ पे से ही मैंने ये डिज्नी का भी टॉप उठाया है. दिस इज़ अगेन ऑफ 200 और वहाँ पे ज़्यादातर टॉप्स 200 के थे. मैंने 200 के अलावा मतलब टॉप्स खरीदे ही नहीं है.
सस्ता में अच्छा. नेक्स्ट गाइज आई गॉट, ओ माई गॉड आई जस्ट कांट टेल यू, ये वाला टॉप जो मैं दिखाने वाली हूँ ना, आई एम सो एक्साइटेड. ब्लैक तो वैसे भी मेरा फेवरेट, एंड ऑफकोर्स ब्लैक इज नॉट द समर कलर बिकॉज और ज़्यादा गर्मी लगती है, बट समवन लाइक मी हु इज ऑब्सेस्ड विद ब्लैक एंड आई नो मैक्सिमम लोगों को ब्लैक पसंद होगा यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है. तो आई गॉट दिस टी शर्ट, ये इतनी प्यारी लगी मुझे. इट हैज़ समथिंग रिटन ओवर हियर, फिट फीट समथिंग, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इंटरनेशनली. तो यहाँ पे लोगों देख के पता चल जाता है ये कोरियन ब्रांड है, और मैंने लिटरली एक कोरियन वीडियो देख रही थी, उसमें बंदी ने एग्जैक्टली टी शर्ट पहना हुआ है, सेम टी शर्ट पहना हुआ है, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा था हिल रोड में, और मैं तुरंत जाके हिल रोड से ये उठा लई उसी को देख के. सो या That is the mini story behind it. This is again the cotton. And also guys, ये सारे कपड़े मैंने wash कर रखे हैं because बहुत सारे लोग वहाँ से try करके ले जाते हैं फिर वापस return करते हैं, तो it's very important कि आप wash कर लो. तो ये एक धुलाई वाले कपड़े हैं and literally कुछ भी इसमें निकला नहीं है, सब कुछ perfect है. All right, moving on to the next one guys. Next now मैंने H&M का top लिया था, I have shown you in my last vlog also. और वो vlog by the way कल ही गया है, तो फिर एक video पुराना है, तो कल का vlog देख लो आप. सो या ये वाला टी शर्ट H&M का है गाइज, मैंने आपको ब्रांडिंग वगैरह उस व्लॉग में दिखाई थी, रियल H&M है. आई गॉट इट ओनली फॉर 200 rupees. आई रिमेंबर मेरी बहन H&M से सेम टी शर्ट लाई थी फॉर 400 rupees, और मैंने यहाँ पे 200 rupees बचा लिया एंड आई गॉट दिस वन. आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, देर इज नथिंग टू टॉक अबाउट इट, मतलब बेस्ट है ये, बेस्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट H&M टी शर्ट गाइज, ये भी मैं आपको उस व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, एंड आई एम इंक्लूडिंग बिकॉज बहुत सारे लोगों ने, उन्हें पता नहीं होगा कि व्लॉग में क्या है, तो फिर मैं इधर पर भी दिखा दे रही हूँ. सो आई गॉट दिस टी शर्ट विच इज़ ऑफ इंग्लिश कलर. ओ माई गॉड, आई हैव सीन दिस टी शर्ट इन H&M. मैं आपको स्क्रीन पे उसका स्क्रीन शॉट अटैच कर दूंगी. एग्जैक्ट टी शर्ट वॉज ऑफ 400 rupees, आई गॉट इट फॉर 200 rupees, रियल ब्रांडिंग, रियल H&M, पूरी परफेक्ट है, कहीं से भी खराब नहीं है. पहन के भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज आई गॉट साइज अप. मैं टी शर्ट हमेशा लूज पहना पसंद करती हूँ, आई डो नॉट लाइक समथिंग बहुत ज़्यादा टाइट टाइट, तो दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम H&M. यार H&M के इतने सस्ते कपड़े मिल रहे थे दैट आई कुडंट लेट इट गो. सो ये ना H&M का डिवाइडेड रेंज की तरफ से है, एंड दिस इज़ टाई एंड डाई टी शर्ट. कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा गाइज. ये ना रिजेक्टेड पीसेज होते हैं H&M से, इनमें अगर थोड़ा सा भी फ्लॉ होता है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं. तो जैसे आप ये वाले टाई एंड डाई में देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ना थोड़ा सा डाई स्प्रेड हो गया है, मतलब ये ब्लू जो कलर है ना वो यहाँ पे छीटे आ गए इसके, तो इसलिए ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया और मैं उठा लाई. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टाई एंड डाई, यार कोई नोटिस भी नहीं करेगा कि वो छीटा उड़ के दूसरे कलर में आ गया है. सो दैट्स वाई आई जस्ट love this one again for 200 rupees. सारे 200 के हैं guys, I'm not going to repeat again and again. T-shirt सारे मैंने 200 में लिया है. Next up I got the basic tee. This one, ये भी H&M का है guys, 200 rupees में. This is again not white brand. The size is medium, perfectly fits me. I love this, very versatile piece. किसी के साथ भी पहन लो, कितनी भी तरीके से स्टाइल कर लो, n number of ways हैं स्टाइल करने के. So yes, my favorite. नेक्स्ट अप गाइज, मैंने ना H&M का टी शर्ट ड्रेस, सो दिस इज़ अ टी शर्ट ड्रेस, और ये इस तरीके का है. आई लव दी कलर, थोड़ा सा ऑलिव एंड ऑलिव टोन कलर्ड है. हाँ कलर्ड है, वाओ ऑलिव टोन कलर है. दिस इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड H&M बेसिक्स. बहुत प्यारा लगा मुझे, बट जब मैंने इसकी धुलाई करी और घर पे आके देखा ना, तो मैंने देखा कि इसमें बहुत छोटे छोटे से छेद हैं, बहुत छोटे छोटे से गाइज, जो कि आपको दिखेंगे भी नहीं. और लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे बिकॉज आई पे 200 rupees फॉर दिस. 200 या 300 का था एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 200 का ही था. हाँ तो इसमें एटलीस्ट 4-5 छेद हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट डेफिनेटली आई कैन वेयर इट. मतलब घर पे मैं पहन सकती हूँ, बाहर भी पहनूंगी तो नोटिस नहीं होगा, जैसे मुझे नोटिस नहीं हुआ था वन टाइम में. तो फिर मैं इसे पहनूंगी, डेफिनेटली मैं वसूल करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इट. और ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट इमेजिन वेयरिंग दिस ड्रेस विद अ स्नीकर. कितना कूल लगेगा, कितना कूल लगेगा, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन. नेक्स्ट अप गाइज, आई गॉट दी पैंट्स, और ये इतने पसंद आए मुझे कि मैं छोड़ ही नहीं पाई. सो आई गॉट दिस पैंट. दिस इज़ अ प्लाजो स्टाइल पैंट, हाई वेस्ट, नॉट एग्जैक्टली हाई वेस्ट, लाइक मीडियम वेस्ट पैंट है ये. ये मैं 2 बार पहन चुकी हूँ, फोटो भी इंस्टाग्राम पे जा चुका है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये. दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड फॉरएवर 21, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ आई एम सेइंग इट, दिस इज़ अ रियल लोगो. मुझे लगा था कि मुझे प्रॉपरली फिट नहीं आएगा, बट जब घर पर आके ट्राई किया, आई just fell in love because this fit
फिट्स परफेक्टली। इसमें आपको पॉकेट मिल जाते हैं दोनों साइड। इवन मुझे ना ये नाड़ा डिटेलिंग भी पसंद नहीं आता है, बट जब मैं इसको पहनी तो मुझे अच्छा लगा, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे नाड़ा बाहर लटकते हुए अच्छा लगा। नेक्स्ट अप गाइज, आई गॉट अगेन द ट्राउजर, ये भी जॉगर स्टाइल में है। आई एब्सोल्युटली लव द कलर, इसका ब्राउन टोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैंने मॉम सॉ इट, मैं मेरी मम्मी भी खुश हो गई कि बेटा बहुत अच्छे ले ले, और 300 में आई डो नॉट थिंक कि इट्स अ रॉन्ग डील। तो 300 में आपको पैंट्स मिल रहा है, 200 में टॉप मिल रहा है, एंड इट इज़ प्रीटी मच गुड। और ये आता है फ्रॉम द ब्रांड लव ट्री, मेड इन चाइना ब्रांड है तो हाँ, बट ब्रांडेड प्रोडक्ट है। द फैब्रिक इज कॉटन एंड दिस इज सुपर कम्फर्टेबल टू वेयर। नेक्स्ट भी गाइज, मैंने पैंट लिया है, और ये वाला पैंट तो मेरा फेवरेट है बिकॉज दिस इज ग्रे कलर, अगेन जॉगर स्टाइल, लाइक यहाँ पे नाड़ा दे रखा है। दिस कम्स फ्रॉम द ब्रांड बनाना रिपब्लिक एंड दिस इज द रियल रियल ब्रांड लोगो। अब देखो गाइज, इन सब चीज़ों से ही देख के पता चल जाता है कि दिस इज नॉट फेक, दिस इज इन द साइज स्मॉल एंड दिस इज मेड इन वियतनाम। सो अच्छी बात है चाइना में नहीं बना हुआ है तो ये वाला पैंट भी मुझे बहुत पसंद है। ये वाला जो शॉप है ना गाइज, ये शॉप था जो मैंने शॉप डिटेल नीचे डाली है, उस शॉप से 1, 2 थर्ड शॉप वो सिर्फ पैंट का शॉप है, आपको देख के पता चल जाएगा। तीसरे शॉप पे आपको ये पैंट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने और दो ट्राउजर लिया जो कि थर्डी पे भैया थे वहाँ से, इस तरीके के पैंट्स हैं जो कि मैं घर पे पहनने के लिए लाई हूँ, और ये थोड़े से ना एंकल से ऊपर है तो घर पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है टॉप्स के साथ इस तरीके की पैंट्स पहनना। आई लव द कलर, आई लव द स्ट्राइप डिटेलिंग। इवन ये प्लाजो स्टाइल पैंट ना बाहर भी पहन सकती हूँ, बट मैं घर के लिए लाई हूँ। आई डो नॉट नो, अगर मेरे को कभी आलस आया मैं नीचे चली गई तो मैं बुरी तो नहीं लगूंगी, कम से कम ओनली फॉर 200 रुपीज़। तो कॉटन है, बहुत ही बढ़िया सा फैब्रिक मुझे मिल गया था। नेक्स्ट अप गाइज, अगेन मैंने स्ट्राइप वाला लिया है बिकॉज माई हाइट इज छोटू, तो फिर इसलिए मैंने स्ट्राइप्ड में इन्वेस्ट किया है इस बार। अगेन वेरी क्रॉप्ड पैंट और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसके इलास्टिक है, मतलब इतने चौड़े इलास्टिक आपको मिलते हैं जिसकी वजह से ना आपको निशान नहीं पड़ेगा पेट पे, एंड यू विल बी कंफर्टेबल थ्रू आउट द डे। इसका ये जो पार्ट है ना नाड़ा, ये मैं निकाल दूंगी शायद बिकॉज मुझे पसंद नहीं आते नाड़े ज़्यादा, और इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डील मिल गया। लाइक दिस अगेन आई गॉट इट फॉर 200 रुपीज़, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, कॉटन है। सो या मैंने सारे बेसिक कपड़े लिए हैं, सारे ही कम्फर्टेबल लिए हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट पीसेज गाइज, मैंने ना मेरे को अभी गर्मी हो रही है तो फिर मैं रात में नहाती हूँ, और नहा के ना मुझे मन नहीं करता कि मैं प्रॉपर नाइट सूट पहनूँ, तो मैंने अपने लिए कुछ इस तरीके की मैक्सी ड्रेसेस ले लिए हैं। सो ये छोटे वाले मैक्सीज नहीं आते, नाइट सूज जो नाइटीज होती है वो लिया है मैंने। दिस इज़ वेरी नाइस लेंथ और इतनी प्यारी है ना ये, इसका कॉटन मटेरियल है गाइज। व्हेन आई गॉट इट आई गॉट सो एक्साइटेड। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड एडिटेड, मेड इन इंडिया, 100% कॉटन है। इसका फैब्रिक टच करके ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो दिस आई थिंक ही गेव मी फॉर 250 या 200, ये मुझे याद नहीं है, हाँ 250 सॉरी, ये इसमें वो बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना दो ली थी 500 पे किया था, सो ये 250 का मेरे को मिला। एंड नेक्स्ट गाइज, मैंने काफ़ी ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट लिया है सिर्फ सोने सोने के लिए और रात में, तो फिर ये नाइटी मैंने लिया है। दिस इज़ वेरी मैक्सी स्टाइल और इसमें ना आपको एक ऐसे पॉकेट सा भी मिल जाता है, सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दिस इज़ नॉट कॉटन, आई फील वेरी लाइट मटेरियल, बहुत ही हल्का है, मतलब अनकम्फर्टेबल लगेगा। एंड दिस इज़ सम कोरियन ब्रांड का मटेरियल। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी ये भी, लूज सी, बिकॉज आई वॉन्ट वेरी लूज कपड़ा वेन आई एम स्लीपिंग। और या ये सारी चीज़ें थी जो मैंने गाइस खरीदी थी। अभी जो 50 रुपीज़ की चीज़ है वो मिनी हॉल से ही है। मैंने एक नेक पीस खरीदा था बटरफ्लाई का जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, यू विल नॉट बिलीव इट इतना क्यूट था। तो वो आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग बटरफ्लाई वाले ईयर, मतलब बटरफ्लाई वाले नेक पीसेस पहन रहे हैं। इवन आपको कैरेट लेन सोने के भी वो नेक पीसेस मिल जाएंगे, तो वो मैंने 50 रुपये का लिया था। देन सेकेंड मैंने एक डेजी वाला नेक पीस लिया था जो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगा, दैट इज़ अगेन ऑफ 50 रुपीज़। थेड़ी में लोग चलते हैं, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हो, संभाल के रखोगे तो लास्ट भी करेंगे, काले भी नहीं पड़ेंगे। तो मैंने 100 रुपये का ज्वेलरी वहाँ से खरीदा था और अभी तक मानोगे नहीं 2 साल हो गए हैं, अभी तक वो टार्निश नहीं हुआ है और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसे पहना है। तो आई समहाउ ट्रस्ट हिल रोड के जो थेड़ी वाले भैया लोग रहते हैं, उनके ज्वेलरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं। सो या सो ये गाइस, ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मेरा बेसिक समर हॉल हिल रोड से आपको पसंद आया रहेगा, आई जस्ट होप। एंड अगर पसंद आओ लाइक ज़रूर कर देना गाइस, पूरा वीडियो देख लिया है लाइक कर देना, एंड कमेंट डाउन बिलो विच वन इज़ योर फेवरेट पीसेज। एंड या इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ हमारा आज के वीडियो, और मैं मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।